सेना में आई रेजिमेंट को लेकर इस बार उठी बड़ी आवाज। नेताओं के सियासी वादों से नाराज यूपी के कई जिलों के आदमों ने बनाया संगठन। भीड़ का रेला सड़कों पर उतर गया और लगाई एक ही आवाज, आप कुछ भी हो जाए रेजिमेंट लेकर ही रहेंगे। देखिए कहां से शुरू हुआ ये संखनाद और कैसे इतनी पुरानी मांग पर क्यों गुस्से में है यादव समाज। भले ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सियासी धमाके की बात कर रही हो, लेकिन कोई सियासी दल धमाका करे ना करे, यादवों ने इस बार ठान लिया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खदेड़ा कर ही रहेंगे। यादवों की ताकत का एहसास अब तब शायद बीजेपी को ना हो, लेकिन इसकी वानगी अहिर रेजिमेंट को लेकर आप देखने को मिलने लगी है। अहिर रेजिमेंट पर पूरे उत्तर प्रदेश क्या देश के हर होने से युवाओं की एक आवाज बुलंद हो रही है। सारे यादव एक मंच पर आ रहे हैं, सबकी सिर्फ यही मांग है कि हर हाल में हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए। उत्तर प्रदेश की नगरी में ऐसे यादवों ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया है और फिर इसकी धमक देश के कोने कोने में देखने को मिल रही है। सपा की अगुवाई में जब यादवों ने अहिर रेजिमेंट के लिए हुंकार भरी तो अच्छे अच्छे के छक्के छूटते दिख रहे हैं। ईसन नदी से युवाओं और बुजुर्गों ने अहिर रेजिमेंट के लिए रैली शुरू की और उसका समापन तिरवा तहसील पर हुआ। लेकिन रैली के समापन से पहले जो भीड़ का रेला देखने को मिला उसने सत्ताधारियों को संसद में डाल दिया। रैली की अगुवाई करने वालों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है और साफ कहा है कि रेजिमेंट के अलावा किसी और विकल्प पर वो अब साथ बैठने नहीं वाले हैं। सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाज सिंह यादव की अगुवाई में भारी भीड़ ने एकत्र होकर सेना में अहिर रेजिमेंट बनवाने की मांग उठाई। त्रिवा में इस नदी के पास भारी भीड़ जमा हुई, जहाँ औरैया, कानपुर, इटावा और कन्नौज जिले से यादव समाज के लोग एक साथ पहुंचे थे, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और फिर भीड़ रैली के तब्दील हो गई। ईसन नदी से शुरू होकर रैली तिरमा तहसील पहुंची, जहां भीड़ ने प्रदर्शन किया और सेना में सिख राजपूत रेजिमेंट की तरफ अहिर रेजिमेंट बनवाने की मांग की है। इस दौरान सपा नेता नवाब सिंह यादव ने कहा है कि सेना में कई रेजिमेंट हैं, उसी प्रकार अहिर रेजिमेंट भी बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अहिर रेजिमेंट के बलिदान को ध्यान में रखते हुए अहिर रेजिमेंट बनाया जाना जरूरी है। सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठने के बाद दूसरे समाज के लोगों में भी अपने अपने समाज की रेजिमेंट बनवाने की सुगबहाट सामने आने लगी है। तिरबा में इस बात को लेकर पूरे दिन चर्चाएं होती रहीं। लोगों का मानना है कि सेना में जाति आधारित रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए, वरना हर जाति अलग अलग समाज के रेजिमेंट बनवाने की मांग करने लगेगी और फिर देश में विकट समस्या पैदा हो जाएगी। यादवों की मांग है कि चाहे किसी जात ने बलिदान दिया हो ना दिया हो, लेकिन रेंजांगला युद्ध में यादवों ने जिस पराक्रम को दिखाया था उसके सम्मान में अहिर रेजिमेंट बननी ही चाहिए। कन्नौज में यादव लैंड के यादवों ने एकजुट होकर बड़ा संकेत दिया है। आने वाले दिनों में ये एकता कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेगी। रिपोर्ट।